भूमाफियाओं के खिलाफ पहले से ही एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसके तहत मिलने वाली शिकायतों पर तात्कालिक कार्यवाही की जाती है। हरदोई डीएम की ओर से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जमीनों के मामले में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। ऐसे बड़े बड़े आदेशों को दरकिनार करते हुए भूमाफिया आज भी गरीबों पर जमीनी मामले को लेकर हावी होते नजर आ रहे हैं। मामला थाना बैनीगंज के पुलिस चौकी प्रताप नगर का है। यहाँ के धर्मेंद्र पुत्र छेदा, रामविलास पुत्र नारायण, राकेश पुत्र छेदा के अनुसार उनकी जमीन पर दशकों से स्थानीय निवासी जाकिर मियां पुत्र छोटे लाल ने कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने जमीन के आसपास बाउंड्री खड़ी कर रखी है। मामले पर न्याय पाने की आस लगाते हुए सभी ने मिलकर कोतवाली बैनीगंज और तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी को कई लिखित प्रार्थना पत्र दी, जिससे जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने से संबंधित कई फरमान तो जारी हुए, पर वहां क्षेत्रीय लेखपाल और पुलिस तक ही सीमित रह गए। जमीन के साझेदार पुत्ती लाल ने बताया कि दलित की जमीन पर बिना वजह के जाकिर मियां ने कब्जा कर रखा है। जो भी जमीन के आसपास जाता है उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पर उनका और क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर कब्जा जाकिर हुसैन जबरदस्ती किए, और हम लोग बोलने गए जब तब दो कॉन्स्टेबल वाले गए। एक कॉन्स्टेबल वाला कहता है कि तुम साले जबरदस्ती यहाँ पर जमीन पर कब्जा करने आए हो, अभी चलो हम चौकी चल के खेलते हैं। जाकिर हुसैन को पहले बुला करके बैठा लेते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, पैसा ले दे करके हमको भगा देते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कहा कि ज़मीन तो मेरी है, अगर जो यहाँ ज़मीन पे आ जाओगे तो हम साले मार करके हम दफना देंगे। यह ज़मीन हमारी है सबकी, और यह ज़मीन पर जाके कब्जा कर लिया है ज़बरदस्ती। बोले जाकिर हुसैन को पहले बैठा लेती है पुलिस, उनके फेवर में बात करती है, हम लोगों को कहते हैं भाग जाओ, ने हम पटक पटक के मारेंगे, और सारी बात उनकी तरफ ले करते हैं, हमारी तरफ की कोई बात नहीं करता है पुलिस। कोर्ट द्वारा सभी को नोटिस प्राप्त कराए गए हैं, आगामी न्यायालय जो भी फैसला करेगा हम मान्य करेंगे। बीते शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजे चौकी इंचार्ज विजय नारायण शुक्ला से जानकारी लेनी चाहिए तो महोदय पुलिस चौकी से गायब थे, उन्होंने फोन उठाना तक मुमकिन नहीं समझा। सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर कोई प्रश्नोत्तरी के आधार पर पुलिस राजस्व कर्मी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं तो अन्य जमीनी विवादों पर बगैर स्टे ऑर्डर के कोर्ट प्रश्नोत्तरी पर फैसला कैसे हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरा मामला स्थानीय राजनीति से लबलबा है, जिसके कारण हर कोई बचता नजर आ रहा है। ऐसे में पीड़ित जमीन मालिकों को उनका हक मिल पाना राम भरोसे साबित हो रहा है। तो ये थी हरदोई से हमारे संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।